आगरा की मयूर पायल बढ़ाएगी माता सीता के चरणों की शोभा। चांदी के पायल में चक्रों की कारीगरी, मार्बल मीना डिजाइन। चांदी के इस पायल को जी भर के निहार लीजिए। ये पायल माता सीता के चरणों की शोभा बढ़ाएंगी। चांदी के इस पायल को एशिया की सबसे बड़ी चांदी मंडी में तैयार किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और सराफा एसोसिएशन के जो कारीगर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चांदी की पायल को तैयार कर रहे हैं। और ये पायल जो है वो माता जानकी के लिए तैयार की जा रही है। और यही वजह है कि चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, सभी कारीगर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 15 दिनों से इस पायल को तैयार किया जा रहा है, अब सिर्फ फिनिशिंग बाकी है। हाथों से एक एक काम बेहद ही बारीकी से किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस पायल को बनाने में मजहब की दीवारें भी टूट गई हैं। हम लोग हिंदू भाई मुस्लिम भाई दोनों इन्हें मिलके मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से पायल बना रहा है। राम जी के मंदिर में अयोध्या में जाके वहाँ पर चढ़ेगी माता जी उनके राम जी के उसमें मूर्ति पे। इसलिए हम लोग दोनों भाई लोग मिलके बहुत 15 दिन से पायल बना रहे हैं। 15 दिन के अंदर पायल तैयार हो रही है। चांदी के इस पायल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। 6 इंच की चांदी के पायल पर झालरों के बीच एक मयूर आकृति है, जो कि माता जानकी को बेहद पसंद था। मयूर के पंखों में चक्र बनाए गए हैं, इसमें मोटर लगी है जिससे दोनों चक्र घूमते रहेंगे। इस मोर पंखी पायल में अलग अलग रंग के नग जुड़ गए हैं। पायल का वजन 551 ग्राम है। जो एक मोर पंखी से बनाई गई है और इसमें 2 चक्र भी दिए गए हैं, जिसका वेट है 551 ग्राम और इसकी चौड़ाई 6 इंची है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा बारीकी सी बनाई गई है, जिसको सोच समझने के लिए हमने 15 दिन का तो समय लिया और 15 ही दिन हमें बनाने में लगे, जिसमें कि हमारा प्रोग्रेस आज कंप्लीटेड हो जाएगा। इस पायल को आगरा सराफा एसोसिएशन ने तैयार करवाया है, जिसे राम मंदिर में विराजमान माता सीता के लिए भेंट के तौर पर दिया जाएगा। मन में ये विचार आया क्यों ना ये माता जानकी के चरणों में वहाँ भेजी जाए, क्योंकि हम लोगों का जा पाना संभव बड़ा मुश्किल से हो पाता है। कम से कम एक भेंट वहाँ पे वहाँ तक पहुँचे। 22 जनवरी से पहले सराफा बाजार एसोसिएशन चांदी की पायलों को अयोध्या पहुँचाएगा, जिसे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान माता सीता के चरणों में अर्पित किया जाएगा। विनीत दुबे, टीम न्यूज नेशन, आगरा।